हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने आरपीएफ एसआई की जॉब प्रोफाइल के बारे में पिछले वीडियो में देख लिया था, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का निशान है जो ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आरपीएफ एसआई या फिर और गवर्नमेंट जॉब के जो नए वैकेंसी या फिर जो भी सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके यूट्यूब में मिल जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आरपीएफ से रिलेटेड सारे वीडियो ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि पीछे के जो वीडियो हैं उसमें मैंने नोटिफिकेशन से लेके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ एनालिसिस और मेडिकल फिजिकल के सभी के बारे में बता दिया है, तो एक बार आप ज़रूर देख लें नए स्टूडेंटों के लिए। तो चलो आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो जो आरपीएफ की ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 7.5 मंथ का होता है, तो यह हो गया ट्रेनिंग पीरियड। इसके बाद में बात करते हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उनके बारे में। तो जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसमें जोन वाइज होते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के ट्रेनिंग सेंटर। तो सबसे पहले अपन वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो और सेंट्रल रेलवे दोनों का जो आरपीएम कांस्टेबल का ट्रेनिंग सेंटर होता है वो महाराष्ट्र में होता है। फिर इसके बाद में जो वेस्टर्न रेलवे है उसका होता है गुजरात में, वलसाड नाम की जो सिटी है वहाँ पे। उसके बाद में जो साउथ रेलवे होता है और साउथ वेस्टर्न रेलवे होता है उन दोनों का होता है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद में बात करते हैं नॉर्थन रेलवे और नॉर्थन सेंट्रल रेलवे की, तो इन दोनों का लखनऊ यूपी में होता है। उसके बाद में बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, इसका मोकामा बिहार में होता है। फिर उसके बाद में जो अगला जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में बात करते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की, इसका मोलाली सिकंदराबाद एपी में। उसके बाद में जो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स होती है आरपीएसएफ, जिन भी स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है उनका जो एग्जाम्स जो एग्जाम नहीं सॉरी जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो गोरखपुर में होगा, रांची कैंप में उनका एक ही है। जिसने भी आरपीएसएफ फोर्स के लिए अप्लाई किया था उनका सिर्फ यहीं पे होता है ट्रेनिंग, इसके अलावा किसी और जगह पे नहीं होता है। और बाकी जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया था उनका जोन वाइज होता है, जिस भी जोन में आपने अप्लाई किया है उसी जोन में होगा, तो ये दे रखा है। उसके बाद में जो नॉर्थ का जो होता है नॉर्थ रेलवे का, उसका एक न्यू जलपाईगुड़ी होता है, ये दूसरी फोर्स आती है फ्रंटियर, जो आपको कांस्टेबल बनने के बाद अलग से आपको चूज करनी पड़ती है, उसका जो होता है ट्रेनिंग उसकी ट्रेनिंग अलग से होती है, तो उसकी यहाँ पे होती है वेस्ट बंगाल में। फिर ये हो गई नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का भी गोरखपुर यूपी में होता है। फिर उसके बाद में जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का बांदीकुई राजस्थान में। उसके बाद में ये तो सर ये फिर ईस्टर्न रेलवे हो गया, ईस्टर्न रेलवे का भी यहाँ कचरा पारा में होता है। फिर ये तो सारे हो गए आपके जोन वाइज ट्रेनिंग सेंटर। तो आपने किस जोन में अप्लाई किया है आप देख लेना, जिस भी जोन में आपने अप्लाई किया है आपका ट्रेनिंग उसी जोन में होगा। इसके बाद में जो बात करते हैं वो सबसे बड़ी आरपीएफ कांस्टेबल की जो सैलरी मंथली होगी उसकी बात करते हैं।
तो जो 7th पे कमीशन लगा है उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी जो आपको ट्रेनिंग में मिलेगी वो 12,000 के समथिंग मिलेगी। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग के 7.5 मंथ की ट्रेनिंग के बाद में जब आपको पोस्टिंग दी जाएगी, और RPF कांस्टेबल के लिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि आपको जो पोस्टिंग है आपकी जोन में नहीं, आपको कहीं भी दे सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत वहाँ पे है तो आपको कहीं भी आपको पोस्टेड कर सकते हैं। तो ये बात RPF SI के लिए नहीं थी, लेकिन कांस्टेबल के लिए आपको कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो अधिकतम जो आपकी ड्यूटी होगी वो ट्रेनों की बोगियों में रहती है चेकिंग के लिए RPF रात के टाइम पे। तो आपको जो TT होता है ट्रेन में उसको कोऑपरेट करना पड़ता है रात के टाइम पे। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं भी दे सकते हैं, अधिकतर तो आपको जोन में मिलती है, लेकिन फिर भी जो RPF SF की जो है जिन्होंने अप्लाई किया है उनको तो ज़्यादातर उनके जोन के अलावा ही मिलती है पोस्टिंग। तो इसके बाद में ये जो सैलरी की बात कर रहे थे, तो ये फिर आपको पोस्टेड होने के बाद, पोस्टिंग होने के बाद आपको जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी वो 21,700 होगी इन हैंड। इसके अलावा HR वो आपका अलग, हाउस रेंट वो अलग होगा। ये आपकी जो इन हैंड होगी वो आपकी होगी, जो HR होता है वो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो हाउस रेंट होता है वो भी, उसकी आगे बात करते हैं। तो ये इसकी ग्रेड पे है जो 2,000 है। फिर ये आपकी जो इन हैंड थी मैंने ऊपर बता दिया है वो सैलरी है। इसके बाद में बात करते हैं जो एक्स सिटी में होती है, एक्स सिटी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो अगर पॉपुलेशन अगर 50 लाख, ये मैंने RPF SI में भी बता दिया था, तो और देख लें कि अगर पॉपुलेशन आपकी जिस भी सिटी में आपको पोस्टिंग मिलती है उसकी पॉपुलेशन अगर 50 लाख या फिर उससे अबाव है तो आपका हाउस रेंट आपको 5,208 रुपये, और जो अलग अलाउंस है वो 8,668 रुपये मिलेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं वाई सिटी की। तो वाई सिटी की अगर पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच है, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है सिटी में, तो उसकी पॉपुलेशन अगर 5 लाख से 50 लाख के बीच है तो आपका जो हाउस रेंट हो गया वो 3,472 रुपये मिलेगा, और जो DNS अलाउनेंस है वो तो सेम रहेगा 868। फिर उसके बाद में बात करते हैं जेड सिटी की। तो जेड सिटी की पॉपुलेशन 5 लाख से कम, तो जिस भी सिटी में आपका पोस्टिंग होता है उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है हाउस रेंट और HR। तो 5 लाख से कम की जो पॉपुलेशन की जो सिटी होगी उसमें आपको हाउस रेंट 1,734 रुपये और DNS अलाउनेंस 868 रुपये मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका हाउस रेंट। और अब बात कर लेते हैं HR की। तो जो HR मिलता है वो बेनिफिट आपकी जो पोस्टिंग होती है जिस भी सिटी में उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। उससे पहले आपको जो अदर अलाउनेंस है उनकी बात करते हैं। तो कांस्टेबल को ट्रांसपोर्ट अलाउनेंस भी मिलता है, और ओवर टाइम जो अलाउनेंस होता है वो भी मिलता है, नाइट ड्यूटी का भी मिलता है और अदर अलाउनेंस भी मिलता है। फिर उसके बाद में जो हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउनेंस है वो आपकी बेसिक सैलरी और जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है उस पर डिपेंड करता है। जो और ये जो 7th पे कमीशन के बाद में आपकी जो बेसिक पे है उस पर आपको HR XYZ सिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एक्स सिटी में आपको 24% और वाई सिटी में 60% और जेड सिटी में 8%। तो ये आपको HR का वो दे रखा है परसेंटेज। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन जो RPF कांस्टेबल का जो वर्क होता है वो जनरली क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही काम होता है कि आपकी जो 24 घंटे की ड्यूटी होती है उसमें आपको जो रेलवे के रूल होते हैं या फिर जो भी
काम होता है रेलवे का, डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन पे आपको काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो ये मैंने बता दिया है मेंटेन लो वाला, और जो रेलवे की, फिर ये है जो रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स होती है, उसका उसका भी काम होता है आपको जो रेलवे स्टेशन पे टीटी या फिर और कुछ जो चेकिंग होती है उनमें आपको ड्यूटी मिलती है। इसके बाद में जो पैसेंजर को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जैसे स्लीपर कोच में या फिर एसी कोच में, इनमें आपकी ड्यूटी पोस्टेड की जाती है। और रात के टाइम पे आपको जो टीटी होते हैं उनको भी कोऑपरेट करना पड़ता है। फिर ये रेगुलर पेट्रोलिंग, ये मैंने बता ही दिया है कि रात के टाइम पे आपको चेक करना पड़ता है, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं रात के टाइम पे उन पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये तो सिंपल सा जो काम था आरपीएफ कांस्टेबल का वो मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद में प्रमोशन की बात करते हैं, तो प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, और फिर एएसआई के बाद में जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होती है वो नहीं होती है, एएसआई तक ही होती है। फिर उसके बाद में जो प्रमोशन होता है वो आपको अपनी जॉब या फिर वर्किंग के हिसाब से लेना पड़ता है। तो आपकी जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होती है वो कांस्टेबल के बाद में हेड कांस्टेबल और एएसआई तक होती है। तो इसके बाद में डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होती है प्रमोशन के लिए, वो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तो लग ही जाते हैं उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि जो आरपीएफ एस कॉन्स्टेबल की जो प्रमोशन होता है वो मिनिमम 5 ईयर्स तो बाद ही होता है, उससे पहले आपका प्रमोशन नहीं होता, क्योंकि 2 साल तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसी में निकल जाते हैं, फिर 3 साल आपकी जॉब होती है, उसके बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। तो मिनिमम 5 साल तो आपके मान ही लो एग्ज़ाम के थ्रू भी, डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू मिनिमम 5 साल तो आपको प्रमोशन के लिए लग ही जाएंगे। लेकिन जो आरपीएफ एसआई था, एसआई की पोस्ट है, उसके प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती। तो लेकिन जो कॉन्स्टेबल की है उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है डिपार्टमेंट। तो जो एग्ज़ाम के थ्रू जो प्रमोशन होते हैं वो एएसआई तक ही होते हैं, तो कांस्टेबल से ऊपर हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ऊपर एएसआई, तो एएसआई पे जाके डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम के जो प्रमोशन होते हैं वो वहीं तक ही रुक जाते हैं। उसके बाद आपकी जॉब और जो आपका जो सर्विस होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रमोशन दी जाती है। और ये विदाउट जो एग्ज़ाम आपकी कांस्टेबल के बाद जो विदाउट एग्ज़ाम प्रमोशन होता है उसमें मिनिमम 8 से 9 साल तो लग ही जाते हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम में क्लियर करके फिर प्रमोशन लेते हो तो भी आपको 5 साल लगेंगे, या फिर विदाउट एग्ज़ाम आप प्रमोशन करवाते हो तो आपको आपकी जो सर्विस है उसमें 8-9 साल बाद में आपका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन होगा। फिर इसके बाद में ये जो आपका विदाउट एग्ज़ाम जो प्रमोशन होगा उसके बारे में बता रहा हूँ, तो इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो आपका फ़र्क होता है वो आपका कैसा होता है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखें, जैसे कि अगर कोई डिफ़िकल्ट केस है उसको आपने सोल्व किया है, या फिर आपने रेलवे डिपार्टमेंट या फिर ट्रेन में या किसी भी जो भी आपकी चेकिंग के टाइम पे आप कि जॉब आपने ईमानदारी से, या फिर आपने बहुत ही जो डिफ़िकल्ट केस था या फिर जो भी कुछ पकड़ने का, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने कोई चीज़ पकड़ी है या जब्त की है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी जो सर्विस होती है उसके बाद आपको प्रमोशन विदाउट एग्ज़ाम मिल जाता है। तो ये 2 प्रोसेस थे जो मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिए हैं कि जो प्रमोशन था इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि सर प्रमोशन का क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि जो प्रमोशन होता है वो एग्ज़ाम
एग्जाम के थ्रू भी होता है और विदाउट एग्जाम के थ्रू भी होता है। जो विदाउट एग्जाम के थ्रू होगा वो आपकी सर्विस देखी जाएगी कि आपकी जो 4 5 साल या 6 साल की जो आपकी सर्विस हो गई, 6 7 साल, तो उसमें आपने कितना वर्क किया है, कितने आपने रूल फॉलो किए हैं और कितने आपने जो आपकी सर्विस थी उसमें आपने वर्क किया है। तो ये तो प्रमोशन की हो गई। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो कैसा था या क्या लेवल था, उस पे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का निशान है वो भी प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो मेरे चैनल पे ये कुछ लोग ऐसे अफवाह फैलाते हैं कि कितने पैसों में सिलेक्शन होता है, 10 लाख 12 लाख, ऐसे कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कमेंट में, तो आप इन लोगों के जो बहकावे में या अफवाह में ना आए, क्योंकि जो रेलवे का जो डिपार्टमेंट होता है उससे पैसों का कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं स्कूल या फिर जो ऑनलाइन होती है तो आपको वहीं से ठग लिया जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा डिपार्टमेंटली कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसों से आपकी जो पोस्टिंग है वो मिल जाए या फिर और कुछ आपका जो कोई भी जुगाड़ करके आपका सिलेक्शन करवा दें। तो ऐसे लोगों की अफवाह से दूर रहें कि वहाँ पे 10 लाख में करवाते हैं, वहाँ पे 15 लाख में करवाते हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ अपनी अफवाह फैलाते हैं और आपको ठग लेते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट ना करें कि अरे यार वो तो पैसे दे के लग जाएगा और मैं रह जाऊँगा, मेरी मेहनत ऐसे ही चली जाएगी। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने वाली। बस अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट ना करें, सिर्फ अपने टारगेट पे रखें कि अपन को इस बार तो RPF SI या फिर RPF कॉन्स्टेबल बन के ही निकलना है और कुछ नहीं। तो अपना जो टारगेट है, अपना एम, वो उसके लिए ईमानदार रह के अपनी स्टडी करें डेली बाय डेली। और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो इन्फॉर्मेशन जो भी होगी RPF एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दिया करूंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें और मैंने जो सिलेबस बताया है, टॉपिक बताया है, उनके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें, उनको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें जो मैंने टॉपिक आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। और जो नए स्टूडेंट हैं तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके RPF की प्लेलिस्ट बना रखी है, उस पर मैंने स्टेप वाइज स्टेप जो वीडियो अपलोड किए थे उन सभी को अपलोड कर रखा है वहाँ पे। तो आप उस प्लेलिस्ट को सारी देख लें कि मैंने कौन कौन से टॉपिक तो रीजनिंग में बताए थे, कौन से मैथ में बताए थे और कौन से GK के लिए टॉपिक बता रखे हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें और अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें। अलग अलग चैनल पे अफवाह फैल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ गई, इतनी तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एग्ज़ाम डेट का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम है उनकी डेट अनाउंस हुई है, तो 19 तारीख तक तो उनके पेपर चलने वाले हैं, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी डेट। तो जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आती है सबसे पहले मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो नए स्टूडेंटों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन का प्रेस निशान है वो आप प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके अब जो ये वीडियो है उसको ज़रूर लाइक करें, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक का जो बटन है वो ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर मेरा ये जो मोटिवेशन वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आपको टॉपिक वाइज, तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो और अफवाह में या फिर जो नर्वस हो रहे हैं कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, RPF ऐसा या कॉन्स्टेबल से लेके जो नर्वस हो रहे हैं कि अपनी स्टडी कैसे होगी या फिर कैसे स्टार्ट करूँ मैं, तो उन स्टूडेंटों को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, किसी की बहकावे में या अफवाह में ना आए।
थैंक यू सो मच।